आज के ज्योग्राफी के लेक्चर के अंदर हम लाहौल एंड स्पीति से रिलेटेड जो आयोग ने पिछले साल के क्वेश्चन दिए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, और हम ये देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट पासेस, वैलीज, रिवर्स, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए, आपको इसके मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, मैप बहुत जरूरी होता है। जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो और ज्योग्राफी की प्रिपरेशन आपको करनी हो, तो मैप बहुत जरूरी होता है। तो ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का मैप है, और यहाँ पर आप दो कलर में चीजों को देख रहे होंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इस पोर्शन, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, एक सेकेंड, ये जो पोर्शन है आप ये देख रहे होंगे, ये जो है स्पीति वैली है। ठीक है, ये स्पीति वैली मेनली स्पीति रिवर से बनी हुई है, और स्पीति जो रिवर है इसके बारे में हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे स्पीति। तो ये जो शब्द, इसमें एस एस हटा दो, पीति, पीति का मतलब होता है मिडल लैंड। देखो, इस पे क्वेश्चन पूछा था, मिडल लैंड किस किस की मिडल लैंड? इंडिया और तिब्बत के बीच का जो जमीन होती है उसको स्पीति बोलते हैं। तो स्पीति या स्पीति, ये पहले तिब्बतन लोग यूज करते थे कि इंडिया और तिब्बत के बीच की जो जगह है उसको हम मिडल लैंड बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये पोर्शन पूरा का पूरा जो है लाहौल वैली के अंदर आता है, और लाहौल वैली के अंदर भी सॉरी बहुत सारी वैलीज बनी हुई है। और यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पर बारालाचा है पास है, जो कि ऊपर लद्दाख को कनेक्ट करने का काम करता है, और बारालाचा के पास से ही दोनों रिवर ओरिजिनेट होती है। दोनों रिवर कौन कौन सी? भागा एंड चंद्रा। चंद्रा रिवर और भागा रिवर, ये जो दोनों की दोनों आकर जिस पॉइंट पर मिलती है उसको बोलते हैं तांडी। देखिए, एक ये जो तांडी है, ये इसकी काफी इम्पोर्टेंस ही है। जैसे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर हरिद्वार को एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, सेम एज ये जो तांडी है, इसको लाहौल के लोग बहुत ही पवित्र स्थल मानते हैं। इसकी जो स्थापना थी, इसका जो स्टेब्लिशमेंट था, वो एक राजा ने किया था, राजा राणा चंद। ठीक है, राजा राणा चंद राम, और चांदी के नाम से इसका जो है चांदी रखा था, लेकिन बाद में इसको जो है इसका ये चांदी जो था तांडी में कन्वर्ट हो गया। समझ गया हूँ। तो ये इसके पीछे की कहानी है कि जो ये तांडी है, इसका जो स्टेब्लिशमेंट है किसने किया था। तो हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो ये पूरी वैली जो है, सॉरी, ये पूरी वैली लाहौल वैली से मिलकर बनी हुई हो। लाहौल वैली के अंदर भी छोटी छोटी वैली आती है, जिसमें से एक वैली है पठान वैली। पठान वैली काफी इंपोर्टेंट वैली है, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, आयोग में यहाँ भी क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, पठान वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सिंपल सा क्वेश्चन था बस। तो अब यहाँ पर देखिए, और ये अभी दूसरा मैप मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें दो चीजों के बारे में आपको पता लग गया। अब देखिए, एक मैप है, ये काफी अच्छा मैप है, आप जरा इसको ध्यान से देखने की जरूरत करें, देखें इसको। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पीर पंजाल रेंज है मिडल हिमालयाज की, और यहाँ पर ये वाला जो है ये कुगती पास है। कुगती पास लाहौल वैली और चंबा वैली को कनेक्ट करने का काम करता है। एक एक और पास है यहाँ पर, चोबिया पास। ठीक है, चोबिया पास का भी काम यही है कि ये लाहौल और जो है चंबा वैली को कनेक्ट करने का काम। यहाँ पर जो चंबा के अंदर गड्डी ट्राइब रहती है, गड्डी ड्राइव इसका जो है अपने जो जानवर होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, इन दो जो ये हैं। और यहाँ पर आप देखो तो ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ये पीर पंजाल लेन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा हुआ है, फिर आगे जाके ये हिमालय से मिल जाता है। और इधर वाला जो ये जो रेंज देख रहे हो आप, ये है ग्रेट हिमालयाज की रेंज। ठीक है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल सीधी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, कुछ थोड़ी सी ब्रांच इधर निकल जाती है। और यहाँ पर एक पास है सिंकुला पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएस पीसीएस ने 2 बार क्वेश्चन पूछा, इसमें पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर एक है सिंकुला पास, तो सिंकुला पास भी लद्दाख को जनक जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर एक सिंकुला टनल भी बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टनल है। यहाँ पर बारालाचा है, ये ग्रेट हिमालयाज में बारालाचा पास है। बारालाचा पास का काम यही है कि लाहौल वैली को लद्दाख से कनेक्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से बारालाचा से लोग और लद्दाख की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए नीचे, ये जो देख रहे हो आप, ये तांडी है। तांडी के बारे में आपको बताया मैंने कि इसकी किसने इसकी स्थापना की थी, और यहाँ से ये भागा रिवर ओरिजिनेट होती है, और भागा रिवर सूर्यताल, यहाँ पर एक सूर्यताल एक लेक है, ताल ताल का मतलब होता है लेक,
तो वहां से ओरिजिनेट होती है, और यहां से इस टाइप से ओरिजिनेट होती है, ये ऐसे ओरिजिनेट होती है चंद्रा रिवर, ठीक है। चंद्रा और भागा रिवर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको तांडी बोलते हैं, और फिर आगे से ये चेनाब बन जाती है। देखिए ये चेनाब बन गई। तो ये रिवर के बारे में हुआ। देखिए ये मैप काफी इम्पोर्टेंट मैप है, तो आपको उसको बहुत सारी वैली मतलब मैप उसके बारे में पता लग जाएगा। आप तो इस वाले मैप से भी देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर जो है पूरा उसका मैप लिया है। तो यहाँ पर है ये है तांडी इस मैप में, और ये जो वैली है ये वैली पूरी पटान वैली है, और यहाँ कहीं सिंकुला पास है। देखिए ये देखो आप, तो ये भागा रिवर है और ये सूर्य ताल से ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ कहीं बारालाचा पास है, बारालाचा पास, और सिंकुला टनल यहाँ है, सिंकुला पास। और जो चंद्रा रिवर है, चंद्रा रिवर ऐसे ओरिजिनेट होती है, ये ऐसे ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है बारालाचा पास। अब यहाँ पर मैंने आपको दो, एक तो चोबी पास के बारे में बताया, ठीक है, उसको काफी यूज किया जाता है, और कुगती पास, कुगती पास भी है यहाँ पर, यहाँ कुगती पास है। और ये जो वैली देख रहे हो आप ना, ये यहाँ से देखिए, ये है कुल्लू वैली यहाँ से, और यहाँ से ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है, ब्यास कुंड से। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसी उसके द्वारा, आयोग के द्वारा, और यहाँ से ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती हुई ये जाती है, और इसी को बोलते हैं हम कुल्लू वैली। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुल्लू वैली। अभी हम और भी सारी चीजें मैप से डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब देखिए ये तो मैप हुआ जनरल मैप सा, अब थोड़े से यहाँ पर देख लेते हैं। तो लाहुल एंड स्पीति जो एक, ये पहले लाहुल एंड स्पीति दोनों अलग अलग कभी जगह थे, लेकिन 1960s में इनका डेवलपमेंट करने के लिए इनको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। और क्योंकि देखो डेवलपमेंट जरूरी था, ये जो रीजन है लाहुल एंड स्पीति रीजन, ये हमेशा से ही कटा हुआ रहा है, क्योंकि मोस्टली ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। 1960 में पंजाब का, जब ये पंजाब का प्रोविंसेस हुआ करता था, मतलब पंजाब का पार्ट हुआ करता था, तो पंजाब को लगा कि इसका डेवलपमेंट करना जरूरी है। फिर 1960 में इन्होंने जो इसको मतलब 1952 में एक डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई थी, और फिर उसके बाद में इसको दोनों को मिलाकर एक जगह कर दिया, मर्ज कर दिया, 1960 में डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो ये मैंने बताया स्पीति रिवर, देखिए ये अलग से हम देखेंगे स्पीति रिवर की जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, उसकी मेन ट्रिब्यूटरी भी देखेंगे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, डेट के बारे में कभी इसको बनाया गया था। तांडी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो तांडी है, तांडी की जो एस्टेब्लिशमेंट, आपसे पूछा जा सकता है सिंपल सा क्वेश्चन कि भैया इसको किसको किस कौन से राजा ने तांडी का जो स्थापना की थी, किसने बनाया था, और मैंने इसकी इम्पोर्टेंसी के बारे में बता दिया है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यहाँ पर चेनाब रिवर के बारे में। चेनाब का नाम अक्षनी है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो है दोनों की दोनों रिवर और चंद्रा और भागा मिलकर जहाँ जिस प्लेस पर मिलती है उसको तांडी बोलते हैं, और भागा रिवर ओरिजिनेट होती है सूर्य ताल से। अब तांडी के बारे में हमने देख लिया, लाहुल वैली के बारे में मैंने आपको बताया, लाहुल वैली बहुत सारी वैली से मिलकर कनेक्टेड है, जिसमें से मैंने पठान वैली बताया, और पठान वैली के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है आयोग ने, ये सारी वैली हम जो है डिटेल से कवर करेंगे, ये जितनी भी वैलीज हैं चारों की चारों, और वैसे तो चारों की चारों इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट है वही देखेंगे। तो देखिए ये पठान वैली कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसका जो क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, पठान वैली इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, सीधा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन है इसकी। लाहौल एंड स्पीति वैलीज तो वैसे तो हम अलग से इनको देखेंगे, स्पीति जैसे मैंने बताया स्पीति का मतलब ही होता है मिडल लैंड, तो तिब्बत और इंडिया के लोग जो है के बीच की जगह थी इसीलिए उसको, और ये हमेशा ही, क्योंकि देखो अगर आप इसको इसका मैप देखो तो ये जो यहाँ पर इस पोर्शन में, मैं ऊपर वाला मैप आपको दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन आप देखो तो यहाँ पर जो है ये ग्रेट हिमालय इस टाइप से, ग्रेट हिमालय और ऐसे निकला हुआ है ट्रांस हिमालय, तो ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा एकदम बर्फ से ढका रहता है, डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है ये पूरा का पूरा, यहाँ पर कोई पानी और बरसात बरसात नहीं होती है। पठान वैली के बारे में हो गया, लाहौल एंड स्पीति के बारे में हो गया, अब बात करते हैं हम, ये एक पास है कुंजन पास, देखिए कुंजुम पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैप आप देख रहे हो रेड रेड लाइन से, ये पूरा का पूरा लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का मैप है, ऊपर जो है लद्दाख आ जाता है और इधर साइड तिब्बत आ जाता है। तो
ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, देखिए मैंने आपको पीछे ही बताया, ये वाला पोर्शन देखो आप, ये तो यहाँ, सॉरी, ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ से, ऐसा निकलती है। और ब्यास रिवर, ब्यास कौन सा ओरिजिनेट होती है, जो ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है इसको कुल्लू वैली बोलते हैं, इतने पोर्शन को कुल्लू वैली बोलते हैं। और ब्यास रिवर की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है पार्वती रिवर। पार्वती रिवर का देखिए, पार्वती रिवर ऐसा ओरिजिनेट होती है, ये जो रेड कलर सा है, और यहाँ पर भुंटूर, भुंटूर के पास में आकर ये जो है ब्यास रिवर से मिल जाती है। और ये जो छोटी सी एक वैली बन रही है इसको पार्वती वैली बोलते हैं। तो पार्वती वैली आपको पता होना चाहिए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेशन है इसकी, पार्वती वैली की। फिर यहाँ पर एक ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और ये जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, इसके बीच में एक पास है, पिन पार्वती पास। पिन पार्वती पास जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। आपसे पूछा जा सकता है कुल्लू वैली को और स्पीति वैली को कौन सा पास कनेक्ट करने का काम करता है, पिन पार्वती पास। अब यहाँ पर एक और पास है कुंजुम पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट पास है। देखिए ऊपर ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये लाहौल वैली होगी, और ये वाला जो पोर्शन हो गया ये स्पीति, जो ये कुल्लू कुल्लू वैली है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है अटल टनल, यहाँ पर, तो यहाँ पर अटल टनल बनी हुई है नीचे 8.8 किलोमीटर की। और यहाँ से ये दो काम करता है ये कुंजुम पास है, एक तो लाहौल, ये जो लाहौल वैली है, और ये जो कुल्लू पास कुल्लू वैली है, इन दोनों को स्पीति वैली से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसी स्टेटमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो रेंज आप देख रहे हो ना, ये वाला ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जानते कौन सा माउंटेन है यहाँ पर, यहाँ पर माउंटेन है ये पीर पंजाल। और पीर पंजाल यहाँ पर कुगती पास है, चिबोई, यहाँ पर ये मैंने बताया चंबोई पास है यहाँ पर ये। तो उसके पास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं ये, तो मैप काफी इंपॉर्टेंट है। और ये स्पीति वैली है, देखो पिन वैली, पिन नेशनल पार्क जो है लाहौल एंड स्पीति वैली में लोकेट है, उसमें भी स्पीति वैली में लोकेशन है इसकी, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है, और स्पीति वैली में इसकी लोकेशन है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, पिन पार्वती पास के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्योंकि आयोग ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पास है जैसे मैंने इसके बारे में बताया, ये कनेक्ट करने का काम करता है। अब देखिए जैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, पिन पिन वैली लाहौल, एक पिन वैली, देखिए ये जो आप देख रहे हो ना पिन वैली, ये वाली पिन वैली नेशनल पार्क, ये जो पिन वैली है यही हमारे पास, ये पिन वैली नेशनल पार्क है, यही पिन वैली बनाता है। तो पिन वैली लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है, ये याद रखना चाहिए आपको, पिन पार्वती पार्क। तो दोनों टेरिटरी को कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज जो मैंने आपको नहीं बताई पिन पार्वती पास के बारे में, पिन पार्वती पास जो है इसको वैली ऑफ शैडोज भी बोला जाता है। तो इस पर भी आपसे क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा गया है। देखो पिन पार्वती पास को वैली ऑफ शैडोज भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यही पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज द फेमस एज द वैली ऑफ द शैडोज, तो पिन पार्वती पास। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पिन वैली इज सिचुएटेड एट विच प्लेसेस, देखिए पिन वैली के बारे में लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट अभी हमने देखा, और ये द ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ब्यास रिवर इज कुंड, देखिए ब्यास कुंड में इसका ओरिजिन ओरिजिनेट होता है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बारह सिंगरी ग्लेशियर है यहाँ पर, जैसे मैं आपको मैप दिखा दूँ जरा, ये देखिए ये जो आप मैप देख रहे हो इसके अंदर यहाँ पर ग्लेशियर है, ये वाला ग्लेशियर, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर यहाँ पर, ये बात कहाँ गया, ये 12 सिंगरी ग्लेशियर है, 12 सिंगरी, तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है आपसे इस पर भी पूछा क्वेश्चन गया है कि 12 सिंगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर, इस पॉइंट को आपको याद करने की जरूरत है। तो अब हम ये मैंने आपको मैप दिखाया और चीजें मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई की जाए। यहाँ पे और दूसरे मैप में आप देख सकते हो, मैंने ये जो है मैप के छोटे छोटे स्क्रीन शॉट लिए हैं जिससे आपको ये मैप अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाए। तो हम ये अपना वीडियो यहीं समाप्त करते और मिलते नेक्स्ट वीडियो में।